हाँ जी, एस के इलेक्ट्रिक के चैनल रायपुरा में आपका स्वागत है जी। आज हमारे पास आया जी कंबाइंड करने के लिए टुल्लू पंप। ये देखिए, इसकी जो अंदर वाली कॉइल है वो जली हुई है। जो इसकी कंपनी का नाम वगैरह है वो है जी एलविन, और ये 2.6 एम्पेयर की है। बाकी जो भी डिटेल है इस पर दी गई है जी। इसके बाद जो इसका पुराना कपर है वो हमने निकाल लिया जी, और इस पर पेपर वगैरह लगा देंगे। जो इसकी अंदर वाली कोर है वो है जी 2 इंच, और जो इसकी आउटर है वो है जी 2.5 इंच, और जो इसके बाहर वाली कोर है जी वो है जी 4.5। तो इसके बाद ये हमने इसकी जो वायर नंबर 24 से बांधना है जी, इसको 24-27 से, तो हमने 24 वायर ले लिया जी। ये इसका हमने कॉइल साइज भी निकाल लिया है। तो इस वाले फर्मे पे हम ये कॉइल बनाएंगे, जिसमें कि हमने टर्न देनी है जी 80, तीनों में 80 है जी, 8, 10, 12 में। ये देखिए कॉइल हमारी रेडी हो गई है, तैयार हो गई है जी। इसमें 80 टर्न देनी है जी आपने, और ये इसमें 8, 10, 12 पे डलेगी जी। हम आपको पहली कॉइल डाल के दिखाते हैं जी। ये जो ऊपर वाला पेपर है उसकी कटिंग करने के लिए हमने पेपर लिया है जी। इसके ऊपर भी एक पेपर डलता है जी। ये देखिए जो हमारी फर्स्ट कॉइल है वो रेडी हो गई। ये हमने वीडियो सिर्फ आपको इस कंपनी का डाटा वगैरह बताने के लिए बनाई है जी। ये देखिए फर्स्ट कॉइल डल गई है जी हमने। ये सेकंड कॉइल भी हमारी तैयार हो गई है। देखिए ये भी हमारी डल चुकी है जी कॉइल। ये भी 8, 10, 12 पे डाल ली है। जो इसके अंदर हमने 6 स्लॉट छोड़ने हैं, जो कि ये देखिए जो इसकी स्टार्टिंग वो हमने बनाई है जी 27 नंबर से, जिसमें कि टर्न दी है हमने 100। ये देखिए हमारी जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए रनिंग और स्टार्टिंग दोनों ही हमारी डल चुकी है जी, और ये हमारा पंप तैयार हो गया है। इसके अंदर एक सेपरेट पेपर लगाना है जी आपने, ताकि जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग है वो शॉर्ट ना हो सके। ये लगा के हमने इसको ये धागे से बांध देना है। ये देखिए हमारी जो रनिंग और स्टार्टिंग है वो सेपरेट हो चुकी है, और उसके बाद हम धागे से बांध देंगे ऐसे। ये देखिए हमने इसको धागे से ही बांध लिया है, और दूसरी तरफ इसके कनेक्शन की बारी है जी। ये देखिए जो हमारी ये रनिंग है उसकी जो अंदर वाली कॉइल है जी, उन दोनों को आपस में जोड़ के जी, और जो बाहर वाली कॉइल निकलेगी अपनी वो हमारी वो रनिंग और स्टार्टिंग की वायर होगी जी। ये देखिए अंदर वाली हमने जोड़ दी है, और जिसके आउटर निकलेगा वो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग होगी जी। ये देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया इधर से भी, और इसकी जो रनिंग स्टार्टिंग है वो निकाल ली है बाहर वायरिंग। अब इसमें हम बार्निश करेंगे जी। बारिश आपने अच्छी तरह कर देनी है, ताकि जो कहीं तार कोई कटी वगैरह हो तो उसमें जो वार्निश अपनी लग जाए, और हमारा टुल्लू पंप है जो बढ़िया चल सके जी। तो वार्निश सूखने के बाद इसका जो हमने पहले इसका जो मोटर का रोटर खोला था उसको लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इसको सेट कर लेना है अंदर, और इसके बाद इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको लगाएंगे। कवर वगैरह लगाने के बाद इसके जो नट वगैरह अच्छी तरह टाइट कर लेने हैं, ताकि जो हमारी रोटर का रोटर है वो इधर उधर ना हो सके, और अच्छी तरह ये मोटर अपनी चल सके। ये देखिए बिल्कुल फ्री घूम रही है ये मोटर। हमने इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं, और इसे कैपेसिटर वगैरह की वायर भी लगा दी। ये देखिए मोटर हमारी बहुत ही अच्छी तरह चल रही है जी।
अब ये देखिए हमने फुल फिटिंग करके इसको चला के देखा तो बहुत अपनी प्रेशर बहुत अच्छा है जी इसका। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जी, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जी, थैंक यू जी।